Hello student, thermodynamics, delta U and delta H, both are completed and we have two equations that shows relation between delta U and delta H and how to apply in particular reaction I already discussed. Now today we are going to one of the important parameter, that is heat capacity, and which is important in industrial point of view. तो आज हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले ये जो पैरामीटर है इसको बोलते हैं हम हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी नाम से तो थोड़ा आपको आइडिया आ गया. हीट कैपेसिटी मीन कैपेसिटी ऑफ हीट, ऐसा नॉर्मली हम बोलते हैं. अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है वो मैं थोड़ा एक सिंपल आपको एग्जांपल दे रहा हूं. फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, आपके पास वाटर है अभी, तो मुझे बताओ जो पानी है अभी उसका टेम्परेचर क्या होगा? सर 25 होता है, नॉर्मल टेम्परेचर. अब मुझे जो वाटर है उसमें से वेपर बनानी है, वेपर. अब आप सबको पता है वाटर टू वेपर, दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस. तो क्या वाटर को वेपर बना चलो वेपर हो जा डायरेक्ट हो जाएगी? नहीं, वाटर में से वेपर आपको पता है 100 डिग्री पे होता है, ये सबको पता है, दैट इज हिट बॉइलिंग पॉइंट. तो मुझे बताओ हमें पहले क्या करना चाहिए? तो ये जो वाटर 25 पे है उसको हीट करके 100 पे ले जाना पड़ेगा. 100 पे वाटर फॉर्म में रहेगा, 100 के बाद उसका स्टेट चेंज होगा, ये क्लियर होना चाहिए. हाँ 100 पे चेंज होगा लेकिन पहले हमें वाटर को 100 तक ले जाना पड़ेगा. यहाँ पे वो लिक्विड ही है और यहाँ पे वो लिक्विड ही है, मतलब ये जो पार्ट है वहां पे जो हमें हीट देनी पड़ेगी उसकी जो कैलकुलेशन है वो हीट कैपेसिटी से. आपको यूएसए जाना है, अमेरिका जाना है, तो क्या जो प्लेन है वो आपके घर पे आता है डायरेक्ट चले जाता है? नहीं, आपको पहले आपका जो हाउस है वो आपका इनिशियल स्टेट है, जैसे 25 है, वहां से बाय ऑटो और बाय कार आपको पहले एयरपोर्ट जाना होता है, सुना रही है? और वहां पे आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे और एयरपोर्ट तक जब पहुंच जाओगे तो वहां भी पैसा देना पड़ेगा फ्लाइट का और बाद में आप जा सकते हो. तो टोटल रुपीज कितने हुए? क्या फ्लाइट वाले? नहीं, इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, ऑटो वाले को जो दिया है वो भी. तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो कोई फिजिकल या केमिकल प्रोसेस नहीं है, क्लियर होना चाहिए. आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि मैटर जो है, कोई भी मैटर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले जाना है या तो वहां से वापस लाना है, वॉट एवर, लेकिन वो प्रोसेस में उसका स्टेट चेंज नहीं होगा, क्लियर होना चाहिए. जस्ट इंक्रीज टेम्परेचर, जस्ट डिक्रीज टेम्परेचर. इंक्रीज में हीट देनी पड़ेगी और डिक्रीज में हीट बाहर आएगी. तो आज का मेरा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है और उसकी जो एप्लीकेशन है वो कैसे होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा. ओके, तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आज जो टॉपिक हमारा है उसका रिलेशन कोई फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के साथ नहीं है, जस्ट इंक्रीज और डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग इट्स स्टेट. क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैटर है x, क्लियर? अब मुझे बताओ अभी इसका टेम्परेचर 25 है, दैट इज T1. केल्विन में कितना होगा? 298 केल्विन. अब मुझे 25 से बस 26 ही करना है चलो, दिस इज T2, 299 केल्विन x ही है. मान लो कि ये सॉलिड है तो ये भी सॉलिड है. तो ये जो मैटर है दैट इज एक्स,
अब इसका टेम्परेचर 25 है और मुझे इसको हीट करना है बस अप टू 26, तो उसके लिए जो हीट सप्लाई देना पड़ेगा दैट इज फॉर हीट कैपेसिटी. सो व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी मींस लाइक दिस डेफिनेशन, हीट रिक्वायर्ड टू रेज. डेफिनेशन इतना होता लिखना मेरे साथ, आप लिख सकते हो. मुझे मटेरियल भी आपको भेजना है तो राइट डाउन. हीट कैपेसिटी के एक सिंपल डेफिनेशन देखो, हीट कैपेसिटी में हीट रिक्वायर्ड टू रेज और टू इंक्रीज. हीट रिक्वायर्ड लिखा इसलिए मैं रेज बोल रहा हूँ, हीट रिक्वायर्ड टू रेज और इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अ मैटर बाय 1 degree Celsius और 1 Kelvin. अब ऐसा जब मैंने लिखा तो बहुत सारे स्टूडेंट जब क्लास में होते हैं तो खड़े हो जाते हैं, सर ऐसा नहीं होता है. बोला क्या ये दोनों समझ में आ रहा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो ऑल ऑफ यू कीप इट इन योर माइंड, नॉट ओनली इन योर माइंड, इन ब्लड. डिफरेंस बिटवीन टी एंड डेल्टा, दिस इज टी एंड दिस इज changing temperature, both are different. For example, if you have temperature only, then you have to convert degree Celsius into Kelvin, then you have to add 273. But this term, this process, this task related with changing temperature, yes. Okay? Or change ka meaning ko the difference. Ab difference maan lo ki apne Celsius mein liya aur Kelvin mein liya, तो डिफरेंस का आंसर वो सही नहीं रहेगा. सी व्हाट इज द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस, 26 माइनस 25 1, सेम इन केल्विन 299 माइनस 298 दैट इज 1. ये जो लिखा है मैंने ये टी नहीं है, दिस रिप्रेजेंट डेल्टा टी, ये पहले क्लियर होना चाहिए. ओके तो नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होनी चाहिए. तो मेरा पॉइंट है किसी भी मैटर का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री तक इंक्रीज करना है. सो व्हाट एवर हीट रिक्वायर्ड दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी. जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतनी आपको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी. इट मीन्स क्यू दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. क्लियर? डेल्टा टी मतलब चेंज. 25 से 26 में कम देनी पड़ेगी, 25 से 27 में तो थोड़ी और ज्यादा देनी पड़ेगी. क्लियर? तो इस बेस पे हीट कैपेसिटी को आइडेंटिफाई करेंगे. देयरफॉर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T. देयरफॉर Q इज इक्वल टू C डेल्टा T. Q इज इक्वल टू C डेल्टा T वेयर C इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड व्हिच इज नोन एज हीट कैपेसिटी. ओके? Now what about unit? Unit of C. So simple hai. If you make subject, C is equal to what? Unit of C means C is equal to Q by delta T. So unit kya hoga iska? Q ka unit kya hai? Joule for degree Celsius or joule per Kelvin. Yes. Joule per degree Celsius or joule per Kelvin, and this is expansive property. Itna nahi, expansive property. Clear? So this is the heat capacity. Now in this term, some points are missing. In this word, heat quantity of matter does not mention. See definition again. Heat required to raise the temperature of substance. Quantity of substance is not mentioned. So this word is not appropriate actually. Okay? So now we are introducing another term in which quantity of matter also mentioned. And that term is more appropriate. Okay? Like a basic heat capacity can be put down. Clear? So this is the heat capacity. Now next. If we mention
quantity of matter, then we have number one, specific heat capacity, and number two, molar heat capacity, specific and molar heat capacity. In that case, we have to mention quantity of matter also. But ये word ज़्यादा appropriate है, okay? Compared to only heat capacity. So write down the first one, specific heat capacity. Okay, specific heat capacity. In that case, now since this is the X, having temperature 25 degree and quantity that is 1 gram. Yes. तो इस बार मैंने quantity को भी identify कर दिया कि आपके पास में जो substance की quantity 1 gram है और 1 gram quantity का temperature आपको बढ़ाना है 25 से 26 और ये आपका हो गया 2. तो यहाँ जो heat capacity हम identify करेंगे that is specific heat capacity. ये तो बहुत important है. Okay. डेफिनेशन में माइनर चेंज होगा. डेफिनेशन लाइक दिस, राइट डाउन टाइटल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो उसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल हो जाएगी. हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 gram सब्सटेंस, मेक अंडरलाइन 1 gram substance by 1 degree Celsius on 1 Kelvin, like this. It means you have to mention quantity also. So in that case, Q directly proportional to m delta. आगे मैंने डिफिकल्ट लिखा था. अब मैं क्वांटिटी कितनी ज्यादा होगी उतनी ही आपको ज्यादा देने पड़ेगी. डिफरेंस के ऊपर डिपेंड है और m के ऊपर भी डिपेंड है. So Q proportional to m delta t, therefore Q is equal to m c delta t. Yes, this formula is very very important. Q is equal to m c delta t, where c is known as specific capacity. Now unit of c. A formula of the secret right now, tell me. So Q that is joule per m. M means gram, delta T, degree Celsius, or joule per gram Kelvin. Per gram means applicable for 1 gram. तो आपके पास 50 gram है तो into 50 कर देना total के लिए. Okay? तो इस base पे हम use करेंगे. अभी आगे मैं उसके application बता रहा हूँ, लेकिन अभी आप definition पे focus करो और formula पे focus करो. कैसे उसके apply करना है वो एक interesting example में आपको देना. टेंशन मत लो, ठीक है? Q is equal to mc delta t. So this formula is more appropriate compared to Q is equal to c delta t. Clear? Okay. हाँ, और एक property लिख दो, intensity property. ये property intensity है. मैं fix हो जाएगी. Next लिखो molar heat capacity. So in modern unit to represent quantity, that is mole. तो यहाँ पे quantity mention करनी है आपको mole में. तो definition देखो, definition heat required to raise temperature of 1 mole substance. Yes, 1 gram में 1 mole substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Clear? ये भी परफेक्ट होना चाहिए. 1 degree or 1 Kelvin. यहाँ पे क्वांटिटी मोल में लेंगे. Therefore, Q directly proportional to m delta. जितने मोल ज्यादा उतने ही आपको ज्यादा देने पड़ेगी. जितना चेंज ज्यादा उतनी भी हीट आपको ज्यादा देनी पड़ेगी. So here, Q is equal to m c
इसका जो यूनिट है ना उससे पता चलेगा कि ये हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है या मोलर हीट कैपेसिटी है। ओके, तो यहां से पता चलेगा q is equal to nc delta t and here unit of c that is joule per mole degree celsius or joule per mole kelvin per mole kelvin again this is intensity property। ये भी क्या है? इंटेंसिटी प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक और पोलर, ये जो हीट कैपेसिटी वर्ड जनरल बेस पे मैं बात कर रहा हूं उसका जो रिलेशन है वो पहले क्लियर होना चाहिए। इसका रिलेशन मैटर का टेंपरेचर बढ़ाने के साथ है, नॉट चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर, जस्ट चेंज टेंपरेचर। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और इसकी जरूरत कहां पे पड़ती है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब केमिस्ट्री में कोई भी मैटर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, उसकी हीट कैपेसिटी फिक्स होती है। जैसे हर एक मैटर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, डेंसिटी फिक्स होती है, सिमिलरली हीट कैपेसिटी आल्सो फिक्स्ड है, आइदर स्पेसिफिक और इन मोलर टर्म। ये क्लियर होना चाहिए। तो उसका एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ तभी आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला याद होगा एम सी डेल्टा टी का यूज करना है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन मास मतलब ग्राम और नहीं ये तो आप कर सकते हो, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ये सब आपको आता है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली, अभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, इंडस्ट्री की बात करते हैं, चलो एप्लीकेशन, एक लाइव एग्जांपल लेकर तो ज्यादा दे रहा हूं। इंडस्ट्री में सबने ये नाम सुना किलो तो कंपनी वाले खुद स्टीम बनाते हैं पानी में से। ओके, और उसका जो इक्विपमेंट है दैट इज बॉयलर। तो बॉयलर का पर्पस पहले क्लियर होना चाहिए, H2O जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको H2O गैस में ले जाना। लेकिन आप सबको बता दें कि प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग, और बॉइलिंग जो होता है वो 1 bar में हो रहा है और 100 degree पे हो रहा है, ये सबको पता है। लेकिन ये जो बॉयलर है, बॉयलर उसमें वाटर है, फॉर एग्जांपल 1000 gram वाटर है, 1000 gram वाटर है, अभी वाटर किस फॉर्म में होगा? लिक्विड। और अभी इसका T1 क्या होगा? तो T1 तो 25 ही होगा। तो जो इंजीनियर होते हैं वो एक कैलकुलेशन करते हैं कि हमें ये जो 1000 gram वाटर है उसको वेपर में कन्वर्ट करना है तो जो हीट की रिक्वायरमेंट है वो कितनी होगी, तो उसकी कैलकुलेशन होती है। ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके बस सप्लाई स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं है। ये हमारा घर नहीं है, हीट की प्रॉपर कैलकुलेशन होती है कि हम नीचे से हीट कितनी जनरेट करें। नीचे फर्नेस होता है, फर्नेस में फ्यूल होता है, फ्यूल का कंबशन होता है, वहां से जो हीट निकलती है वो इसको तो प्रॉपर मिलनी तो चाहिए ना। मान लो कि इसके रिक्वायरमेंट है उससे कम आप हीट सप्लाई दे रहे हो तो स्टीम जनरेट होगी नहीं। तो वो लोग एक कैलकुलेशन करते हैं और वो कैलकुलेशन देखो कैसे हो रही है, वो इंजीनियर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, दिमाग चलता है। हाँ, तो वो लोग कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, सिंपल फॉर्म में बता रहा है। वो ऐसे सोचेंगे कि चलो अभी जो वाटर हमारा है H2O लिक्विड, अभी वो 25 है, अभी इसकी क्वांटिटी है 1000 gram, ये भी क्लियर है। तो सबसे पहले जो पानी है उसको हमें हीट करना पड़ेगा अप टू 100 हीट करना पड़ेगा। पानी तो इतना ही रहेगा 1000, लेकिन सबसे पहले वाटर को यहां से यहां तक हीट तो करना पड़ेगा ना। तो यहां पे जो कैलकुलेशन होगी दैट इज Q1, उसके कैलकुलेशन, उसके बाद यहां पे जो पानी पहुंचा वहां पे हीट धीरे धीरे बढ़ती है क्योंकि बॉइलिंग वाला पार्ट आ गया। ये 100 है, ये 300, ये फिजिकल प्रोसेस। आगे मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में डिटेल में।
फिजिकल प्रोसेस है, एक कौन सी प्रोसेस है भाई, यहां पे देनी पड़ेगी दैट इज क्यू। चलो मतलब टोटल हीट कितनी देनी पड़ेगी क्यू वन और क्यू टू, घर से एयरपोर्ट तक जाने के पैसे और एयरपोर्ट से फ्लाइट में बैठने के पैसे, दोनों का एडिशन होता है। तो ये लोग एक कैलकुलेशन करते हैं, तो सबसे पहले उनका दिमाग चलता है कि तो पहले हमें पानी को 25 से यहाँ तक पहुँचाना है, तो पहले हम क्या फाइन करेंगे क्यू वन फाइन करेंगे, और उसके लिए वो फॉर्मूला कौन से क्या करेंगे एम सी डेल्टा टी, ये देखिए वेयर एम इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी 1000 ग्राम। ओके अब उनके पास सी होता है, वाटर की हीट कैपेसिटी होती है पर ग्राम होती है, पर ग्राम मीन्स एप्लीकेबल पर वन ग्राम, फॉर एग्जाम्पल 2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ए जो वैल्यू है दिस इज एप्लीकेबल फॉर 1 ग्राम वाटर एंड हाउ टू इंक्रीज ओनली 1 डिग्री, इसकी वैल्यू है। तो आपके पास 1000 ग्राम है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इनटू डेल्टा टी, ये तो 1 डिग्री इंक्रीज के लिए आपको तो 25 से 100 तक ले जाना है, इट मींस 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर। तो सेल्सियस आंसर ग्राम का आंसर, सो 150,000 जूल टोटल, टोटल यस टोटल इतनी हीट देनी पड़ेगी। तो जो इंजीनियर होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं कि हमें 150,000 जूल सप्लाई करनी पड़ेगी टू वाटर, और तब ये पानी यहां से निकल जाएगा। उसके बाद दूसरी हीट भी आती है कैलकुलेट करने के लिए, ये फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस में जो हीट होती है उसको हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन, और इसका सिंबल होता है डेल्टा एच, मैंने पहले बोल दिया था फिजिकल प्रोसेस हो केमिकल प्रोसेस हो उसमें सिंबल फिक्स हो जाएगा डेल्टा एच, और इसका जो यूनिट होता है वो जूल पर ग्राम है या तो जूल पर मोल है, सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर 1 ग्राम। तो हमारे पास तो 1000 ग्राम है और ये वैल्यू भी फिक्स होती है, तो यहाँ पे मान लो कि 1000 है और ये वैल्यू है 50, तो टोटल कितना हुआ 50,000। तो 50,000 जूल जो है टोटल वो स्टेट चेंज करने में यूज होगी, 150,000 कहाँ पर यूज होगी यहाँ से इधर ले जाने में, और 50,000 जूल यूज होगी स्टेट चेंज करने के लिए। जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, देखो 100 बात समझ आ रही है, यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि स्टेट चेंज ऑलवेज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और इसीलिए इसका जो हीट होगा उसमें डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा, बात समझ आ रही है, बहुत अंदर की बात है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब मैं डिटेल में बताऊंगा, फिर भी अभी आपको बता रहा हूँ कि इंजीनियर क्या वर्क करते हैं। तो उनके दिमाग में आ गया कि इतना हीट सप्लाई 100 तक ले जाने के लिए, इतना हीट सप्लाई स्टेट चेंज करने के लिए, मतलब टोटल 150 + 50,000 2 लाख मिनिमम 2 लाख जूल हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। मिनिमम में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो लोग ज्यादा सप्लाई करेंगे, क्यों ज्यादा सप्लाई करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट वो पानी को नहीं मिलेगी, बीच में वैसे की वॉल है तो थोड़ी हीट वहां पे कंज्यूम हो जाएगी, तो नॉर्मली वो जरूरत से ज्यादा ही सप्लाई करते हैं, टेंशन मत लो, लेकिन 2 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। अब मान लो कि 2 लाख से कम हीट सप्लाई करती और बोलेंगे स्टीम जनरेट होगी नहीं तो कैसे होगी, पॉसिबल है ही नहीं, आपको अमेरिका जाना है तो फ्लाइट के पैसे और होटल के पैसे आपके पास होने चाहिए, घर से होटल तक के 500 रुपीज है और वहां से फ्लाइट के 2000 रुपीज है सपोज, तो आपके पास मिनिमम 2500 रुपीज वॉलेट में होने चाहिए, बस समझ आ रही है, तो इस बेस पे कैलकुलेशन होती है। तो हीट कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होगी, नॉर्मली केमिस्ट्री में वी आर इंटरेस्टेड इन फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस, लेकिन ये भी हमें पता होना चाहिए फिजिकल प्रोसेस डायरेक्ट नहीं होती, मैटर को पहले वो स्टेज तक लाना पड़ता है, यदि वो नहीं है तो क्लियर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल भी है एक्सरसाइज में, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन पहले आपको इतना क्लियर होना चाहिए, ओके okay?
तो ये मैंने आपको एप्लीकेशन बता दी। तो इंजीनियर जो होते हैं वो इतनी कैलकुलेशन पहले करते हैं क्लास में बैठे बैठे पेपर पे, और फिर प्रैक्टिकल उतने ही सप्लाई करते हैं, और उस हिसाब से फ्यूल का कंजम्पशन होता है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हीट कैपेसिटी है, यू कैन आइडेंटिफाई दैट टू कंडीशन। ओके, सो वन कंडीशन दैट इज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एंड अनदर कंडीशन दैट इज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सो राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक सीपी, ऐसा नोट करके लिखो सीपी दैट इज हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एंड सीपी हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ओके, चलो हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये दो टर्म मैंने आइडेंटिफाई कर दिया। अब यहां से लेकर दो मार्क्स का क्वेश्चन आता है, प्रो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर फॉर वन मोल गैस। यस, ओके, तो ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है। वी नो Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, नॉर्मल हीट कैपेसिटी यूज कर रहे हैं, Q इज इक्वल टू सीपी डेल्टा टी। नाउ एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर Q इज इक्वल टू सीपी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एच, करेक्ट और नॉट? आगे हमने प्रूव कर दिया है Q इज इक्वल टू डेल्टा एच, ये क्लियर होना चाहिए। रीजन नंबर वन, ओके, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम Q इज इक्वल टू सीपी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू नंबर टू। क्लियर, ओके। नाउ डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा टी, हमारे पास रिलेशन है। ओके, फॉर गैस, फॉर वन मोल गैस, फॉर वन मोल गैस PV is equal to RT, तो फॉर्मूला जी ना, PV is equal to nRT, तो वन मोल गैस है तो PV is equal to RT, therefore P delta V is equal to R delta V, क्योंकि यहाँ पे हीट कैपेसिटी है, चेंज इन टेम्परेचर RT कांस्टेंट है, ओके? तो उसको अप्लाई करो, therefore delta H is equal to delta U plus R delta V. Now what is the delta H? Cp delta T is equal to Cv delta T plus R delta T, common एक कट हो जाएगा। Therefore Cp minus Cv is equal to R. So simple calculation है। Textbook में जो भी step है complete कर दिया है, लेकिन बस ऐसे लिखना है। बहुत easy है। उसकी भी application नहीं है, लेकिन formula बता रहे हैं। Cp minus Cv is equal to R. बस। और एक one more case के लिए। और दूसरे की इंफॉर्मेशन जो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है वो भी आप ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एज अ नोट। सीपी और सीवी का रेशियो आता है, तो उसमें नंबर वन फॉर मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक गैस लाइक हीलियम नियॉन लाइक दिस, तो उसका जो सीपी बाई सीवी है, Cp by Cv मैं आपको बताऊं 1.66 है, ये सब फिजिक्स में आपको मिलेगा, ठीक है, ऐड कर दो 1.66 फॉर डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक गैस मतलब लाइक H2 N2 ये सब, तो उसका Cp by Cv है, Cp by Cv 1.40 N3 फॉर ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक गैस में ओजोन O3, तो उसका सीपी माइनस सीवी है 1.30, ये क्लियर होना चाहिए। ओके, तो
तो वही तैयारी फिर आप फिजिक्स में से होगी। तो आज का मेरा जो टॉपिक था इसका कंक्लूजन क्या है, एक ऐसा टर्म हमें आइडेंटिफाई करना था जिसका रिलेशन चेंजिंग टेम्परेचर के साथ, नॉट चेंजिंग स्टेट। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसलिए आज का जो मेरा पूरा टॉपिक था इसका कंक्लूजन आप लिख लो। कंक्लूजन लिख लो, हीट कैपेसिटी, राइट डाउन हीट कैपेसिटी रिलेटेड, हीट कैपेसिटी रिलेटेड विथ चेंजिंग टेम्परेचर ऑफ मैटर कॉमा नॉट चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर ये कंक्लूजन है। इन कैपेसिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो मैटर का टेम्परेचर चेंज करने के लिए है, उसका स्टेट चेंज करने के लिए नहीं। क्लियर होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट है। और जो टोटल हीट चाहिए उसके लिए उसकी कैलकुलेशन है वो Q is equal to MC delta TC। Q is total heat और क्वांटिटी मोल में है तो Q is equal to MC delta T। बस इतना ही आज का टॉपिक का कंक्लूजन है और बॉयलर में मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया है और एक्सरसाइज में बहुत इंटरेस्टिंग सम दिया है, हम डिस्कस करेंगे तब ये बात मैं फिर से रिपीट करूँगा। लेकिन एक टॉपिक याद रखना, आज का मेरा घर से अमेरिका जाना है। ओके, तो प्लेन डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले आपको आपका जो हाउस है वहाँ से एयरपोर्ट तक जाना पड़ेगा बाय ऑटो और बाय कार। वहाँ पे जो आप पैसे दे रहे हो दैट इज हीट कैपेसिटी। ओके, और एयरपोर्ट के बाद फ्लाइट के पैसे दे रहे हो दैट इज चेंजिंग स्टेट, ऊपर चले गए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट था। केमिस्ट्री में इसका ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि केमिस्ट्री में हम फिजिकल और केमिकल पे ज़्यादा रिसर्च करते हैं, फिर भी ये टॉपिक क्या है आपको